तो गाइस जिन्होंने इस एनिमे के पहले के एपिसोड नहीं देखे जाकर पहले के एपिसोड जरूर देख ले, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं ओरिमिया के सीजन 2 के एपिसोड नंबर 4 को। बट उससे पहले जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें ओरी का घर दिखाया जाता है जहाँ पर मियामुरा और होरी साथ में पढ़ रहे होते हैं, और तभी उसके पीछे होरी के डैड आ जाते हैं। वो कहते हैं बच्चों क्या हाल चाल है सबका, जिस पर होरी होती है वो कहते हैं कि हम दोनों साथ में स्टडी कर रहे हैं क्योंकि हमारे एग्जाम आने वाले हैं। जिस पर उसके डैड कहते हैं ये तो बहुत अच्छी बात है, क्या मैं तुम्हें ज्वाइन कर सकता हूँ। तो होरी अपने डैड को कहती है हे डैड तुम यहाँ से जाओ, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी आपकी यहाँ पर कोई जगह भी नहीं है, आप यहाँ से जाओ, ये जगह तो सिर्फ मियामुरा और उसकी माँ की है। जिसके बाद जो होरी के डैड होते हैं वो कहते हैं कि दिन प्रतिदिन तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार ना करो यार, मैं तुम्हारा डैड हूँ। इसके बाद हमें मियामुरा को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा घबरा गया होता है। हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है ये सभी लोग सो गए होते हैं पढ़ते पढ़ते। अब हमें दिखाया जाता है जो मियामुरा होता है वो जागता है, वो कहता है मुझे बाथरूम जाना चाहिए। अब वो जैसे ही उठने की कोशिश करता है वो उठ नहीं पाता और नीचे धड़ाम से गिर जाता है, और उसकी नजर होरी पर पड़ती है जो कि अभी भी जागी हुई थी। जो होरी होती है वो कहती है आखिरकार तुम कर क्या रहे हो, और वो कहती है वैसे अभी टाइम क्या हो रहा है। हम देखते हैं कि जो होरी होती है वो उठने की कोशिश करती है, जो मियामुरा उसको चिल्लाते हुए बोलता है कि होरी तुम उठना बंद करो, रुक जाओ थोड़ा रुको रुको। जिसके बाद जो होरी होती है वो कहती है कि तुम क्या कर रहे हो, और हमें दिखाया जाता है जो इनके पैर होते हैं वो आपस में घुलमिले होते हैं। जिसके बाद जो मियामुरा होता है वो कहता है कि हे होरी तुम अपने पैरों को जल्दी से बाहर निकालो, मुझे वॉशरूम जाना है। जिस पर होरी कहती है ये मेरे पैर नहीं है, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, ये किसी और का पैर लगा है। दूसरी ओर हम होरी के डैड को देखते हैं, जो होरी के डैड होते हैं वो भी उठने की कोशिश करते हैं। जो होरी होते हैं वो जोर से चिल्लाती है, वो कहती है हे डैड जल्दी से नीचे लेट जाओ क्योंकि मेरे पैर वो आपकी वजह से फंसे हुए हैं। और उसके डैड को भी पता चल जाता है कि उसके जो पैर है वो आपस में एक दूसरे से फंसे हुए हैं। इसके बाद उसके डैड होते हैं वो मियामुरा से पूछते हैं कि हे मियामुरा तुम्हें आखिरकार क्या हुआ है। जिस पर जो मियामुरा होता है वो कहता है कि मुझे कुछ नहीं हुआ सर, मुझे वॉशरूम जाना है। इसके बाद जो होरी के डैड होते हैं वो कहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए यहाँ से निकलने के लिए। इसके बाद जो मियामुरा होता है वो कहता है कि हमें जितने जोर से हो सके तो अपने पैरों को खींचना होगा, इससे कि हम जल्दी निकल जाएंगे। ये बात सुनने के बाद जो होरी होती है काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अपने ब्लैंकेट को हिलाना स्टार्ट कर देती है। और होरी होती है वो कहती है कि हे तुम कैसा पागलपन वाला आइडिया बता रहे हो, वो कहती है कि मैं एक लड़की हूँ मैं ये सब चीजें कैसे करूंगी। जिस पर जो मियामुरा होता है वो कहता है कि वैसे भी हमें कोई पता नहीं चलेगा क्योंकि हम ब्लैंकेट के अंदर हैं और वैसे भी हमें कुछ दिखेगा भी नहीं। जो होरी होती है वो कहती है अच्छा ऐसी बात है तो ठीक। इसके बाद जो होरी होती है वो कहती है रुको एक मिनट रुको मेरा एक पैर खाली हो चुका है। जिस पर मियामुरा होता है वो कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर जो मियामुरा होता है वो भी अपने पैर को निकालने की कोशिश करता है लेकिन उसका भी एक पैर निकल जाता है और वो अपना जैसे तैसे दूसरा पैर भी निकाल कर जल्दी से वॉशरूम की साइड भागता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है होरी मियामुरा और उसके डैड होते हैं वो तीनों बात कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि हम सारे लोग अलग अलग नहीं सोएंगे, अब हम सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड में सोएंगे जिससे जो हमारा पैर एक दूसरे के बीच में नहीं फंसेगा। अब हम देखते हैं कि ये तीनों लोग ऐसे ही सो जाते हैं। अब हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है ये सभी लोग सोकर उठ चुके होते हैं। जो मियामुरा होता है वो देखता है कि होरी के डैड यहाँ पर नहीं है। मियामुरा होता है वो होरी को बताता है कि एक टाइम में जब तुम्हारे घर पर पढ़ने के लिए आया था तो बहुत ज्यादा टाइम हो गया था, पढ़ते पढ़ते रात ही हो गई थी और इसी कारण से मैं अपने घर नहीं जा पाया था, लेकिन आज हम साथ में जल्दी से अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर लेंगे, अपने घर चला जाऊंगा मैं। तो होरी कहती है अच्छा ऐसी बात है तो इसी के हमारे पास एक घंटा बचा है पढ़ने के लिए। अब हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं ये लोग वापस से पढ़ते पढ़ते सो जाते हैं। दूसरी ओर हम होरी के डैड को देखते हैं जो कि सामान लेने के लिए मार्केट गए होते हैं। वो रास्ते में आते टाइम प्रिंस डैड से मिलते हैं और उसके डैड उससे कहते हैं कि हे मैं तुम्हें याद हूँ ना, तो मेरे घर पर आया करते थे खेलने के लिए बचपन में। तो जिस पर प्रेसिडेंट कहता है हाँ मैं तुमको जानता हूँ, आप तो होरी के डैड है ना सही है। इसके बाद जो होरी के डैड होते हैं वो कहते हैं लड़के तुम तो बहुत ज्यादा बड़े हो गए हो। जो प्रेसिडेंट होता है ये बात सुनकर काफी ज्यादा घबरा जाता है, वो बात करता है क्या मैं वापस से अपने हाई स्कूल डे की तरह जीने वाला हूँ। इसके बाद हमें प्रेसिडेंट के पास्ट के बारे में दिखाया जाता है। तभी यहाँ पर जो प्रेसिडेंट होता है वो बहाना मारना स्टार्ट कर देता है, वो कहता है अरे मुझे कुछ काम है तो मुझे जाना होगा, तो ठीक है अंकल मैं जा रहा हूँ। इसके बाद जो होरी के डैड होते हैं उसका हाथ पकड़ लेते हैं, वो कहते हैं अरे बेटा तुम टेंशन ना लो चलो मेरा घर पास ही है चलो हम मजे करते हैं, और उसको घसीटते हुए वहां से ले जाते हैं। अब हमारे यहीं से सीन सेट हो जाता है, हमें दिखाया जाता है कि रात के 12 बज चुके होते हैं। जो होरी होती है वो सोकर जाग गई होती है और वो देखती है कि क्या प्रेसिडेंट यहाँ पर क्या कर रहा है, और वो अपने डैड को भी देखती है। वो अपने डैड को कहती है हे डैड तुम जल्दी से जागो, जिस पर उसके डैड कहते हैं ये कैसी लड़की हो तुम पागल मुझे सोने दो ना, और वैसे भी ये लड़का मुझे घर के आउटसाइड मिला था तो मैं इसको लेकर आ गया। और जो होरी होती है वो मियामुरा को भी उठाने की कोशिश कर रही होती है कि हे मियामुरा जल्दी से जाग जाओ आधी रात हो चुकी है यार। और जो मियामुरा होता है वो जाग जाता है, वो कहता है यार मुझे कोई बचाओ इस डंजन से जल्दी से। इसके बाद जो मियामुरा होता है वो प्रेसिडेंट से भी मदद मांगने लगता है, उससे कहता है क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो आर्ची को बुला के। फिर जो प्रेसिडेंट होता है वो कहता है हाँ मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ लेकिन उससे पहले मुझे कुछ एमपी पावर चाहिए। इसके बाद जो होरी होती है वो सीरियस मोड में बोलती है कि एनकाउंटर एनकाउंटर। जो मियामुरा होता है और प्रेसिडेंट होता है ये बस उनका काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं, वो कहते हैं यहाँ पर हुआ क्या है ये सब। जो होरी होती है वो उसको बहुत ज्यादा घूर रही होती है, तो प्रेसिडेंट कहता है तुम मुझे इतनी ज्यादा घूर क्यों रही हो। यहाँ पर जो मियामुरा होता है वो प्रेसिडेंट से कहता है जरा तुम शांत हो जाओ मैंने यहाँ पर जादू का यूज कर दिया है मिशन को तबाह होने के लिए,
इस पर होरी के डैड होते हैं, वो बोलते हैं ग्रेट खूबसूरती का हीरो किधर है, तुम्हारा ध्यान किधर है। जिस पर होरी होती है वो कहती है हे डैड तुम इन सब चीजों से दूर रहो। और यहाँ पर जो होरी के डैड होते हैं वो वापस से बिस्तर में सो जाते हैं। इसके बाद जो मियामुरा होता है वो प्रेसिडेंट से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिस पर प्रेसिडेंट होता है वो बताता है कि मैं घर की आउटसाइड से जा रहा था, तभी जो होरी के डैड ने उन्होंने मुझे देख लिया और मुझे खींचकर यहाँ पर लेकर आ गए और वो ऐसी सारी चीजें बता रहा होता है। अब इससे हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें दिखाया जाता है जो प्रेसिडेंट होता है वो यहाँ से निकल लेता है और जो मियामुरा होता है वो अभी भी यही सो रहा होता है। हम देखते हैं कि जो मियामुरा की आंखें खुल जाती है और वो अपना फोन चेक करने लग जाता है और उसमें कुछ मैसेज आए हुए होते हैं, जिस पर जो मियामुरा होता है उसमें से कुछ पढ़ना स्टार्ट कर देता है। और हम देखते हैं आलस होने के कारण वो अपने फोन को साइड में रखकर वहीं पर सो जाता है। अब यही से हमारा सीन सेट हो जाता है, हमें दिखाया जाता है कि सुबह के 8 बजे होते हैं और यहाँ पर हमारी होरी होती है वो भी जाग गई होती है और वो तभी मियामुरा को देखने लग जाती है। और वो देखते हैं कि जो मियामुरा का फोन है वो चालू है तो इसलिए वो इसको चेक करने लग जाती है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर किसी का मैसेज आया हुआ होता है जिसको देखकर वो काफी ज्यादा भड़क जाती है। अब हमें यहीं से सीन सेट हो जाता है, हमें बीते हुए कल का बताया जाता है कि जो कायोची होता है उसने गलती से मियामुरा को मैसेज सेंड कर दिया होता है और उसमें लिखा रहता है कि तुम कैसी हो, मुझे पता है कि आज बहुत ज्यादा ठंड है और मुझे तुमसे माफी मांगना था उस दिन के लिए, उस दिन कुछ ज्यादा ही बोल दिया था। और वो कहता है कि क्या तुम स्कूल के बाद पार्क में आ सकती हो, और बाय द वे आई लव यू। जिस पर जो हो रही होती है काफी ज्यादा शौक हो जाती है, वो कहती है क्या आई लव यू, और वो जल्दी से मियामुरा को उठाने लग जाती है। और जो मियामुरा होता है वो नीरा होता है, तो हम देखते हैं कि एकदम से मियामुरा होता है उड़ जाता है और देखते हैं कि उसका सर है वो लाल लाल है। जिस पर मियामुरा होता है वो कहता है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि किसी ने मुझे अभी घूंसा मारा है। और हम देखते हैं वो आसपास देखने लग स्टार्ट कर देता है, तो तभी पता चलता है जो हो रही है वो सोने की एक्टिंग कर रही होती है। जिस पर जो मियामुरा होता है उसके पास जाता है, उससे कहता है कि हे होरी क्या तुम सो रही हो, और क्या तुम मुझसे गुस्सा हो क्या, और क्या तुमने ये घूसा मुझे मारा है। और वैसे भी वो कुछ जवाब नहीं दे रही होती है, वो अपना मुंह फेर रही होती है। जिस पर वो कहता है हाँ मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ, और हमें पता है ना वो तो और ही गुस्से में है उससे। जिस पर जो मियामुरा होता है वो कहता है क्या तो ठीक है तो तुम मुझसे गुस्सा नहीं हो, वो कहता है चलो मैं तुम्हारे संतरे छील देता हूँ। और हमें दिखाया जाता है जो मियामुरा होता है वो ऑरेंज को छील रहा होता है, तभी वापस हो रही आ जाती है और जो होरी होती है वो चौंकते हुए बोलती है अरे नहीं यार मैं तो डाइट में हूँ मैं इसको कैसे खा सकती हूँ। और जो छिला हुआ संतरा होता है वो मियामुरा को दे देती है। इस पर जो मियामुरा होता है वो कहता है क्या तुम डाइट पर हो क्या, और वो कहता है कि तुम खाओगी नहीं क्या, मैं तो तुम्हारे लिए छील रहा था। जो मियामुरा होता है वो होरी को जबरदस्ती संतरे खिलाने लग जाता है, जो होरी होती है वो खा नहीं रही होती संतरे, वो छप रही होती है। जिस पर जो मियामुरा होता है वो कहता है कि हे होरी तुम संतरे खा लो नहीं तो मैं तुम्हें किस कर लूंगा। ये भी जो होरी होती है ये बात सुनकर काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और जो अपना शर्माता हुआ चेहरा है उसके आगे कर देती है। जिस पर जो मियामुरा होता है वो कहता है ओ ठीक है ऊपर वाले का शुक्रिया तुम मुझसे गुस्सा नहीं हो। जो होरी होती है वो अपने मन में कहती है कि आखिरकार हुआ क्या था उस टाइम पे। तभी जो होरी होती है वो मियामुरा से उस मैसेज के बारे में पूछने लगती है जो मियामुरा होता है उसको किस कर लेता है। और हमें दिखाया जाता है कि जो किसके द्वारा जो मियामुरा होता है उसके मुंह में संतरे डाल देता है। जो हो रही होती है वो संतरे को खा रही होती है, लेकिन तभी उसको एकदम से याद आता है कि क्या मियामुरा इसी तरीके से अपने फ्रेंड को कैंडी तो नहीं खिलाता, और ये बात सोचकर वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। अब हमारा यही से सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें दिखाया जाता है जो मियामुरा होता है और चिकाबा होता है जो प्रेसिडेंट के घर में होते हैं जो कि पुराने एल्बम को देख रहे होते हैं और वो उसको डेव की फोटो भी देख रहे होते हैं जो कि अभी खींची होती है उन्होंने। तभी यहाँ पर जो प्रेसिडेंट होता है वो अपने बचपन के एल्बम को नीचे खिसकाकर उसको दूर रख रहा होता है, तभी जो मियामुरा होता है उसको देख लेता है और उसको मियामुरा होता है वो कहता है कि हे प्रेसिडेंट इसमें है क्या, और उस एल्बम को छीन लेता है। जो चिकाबा होता है उसको पकड़ लेता है और मियामुरा को देखते हैं जो कि प्रेसिडेंट के बचपन के एल्बम को देख रहा होता है और वो जैसे ही पेजों को पलट रहा था तो उसको प्रेसिडेंट के बचपन की फोटो देख जाती है। और जैसे ही मियामुरा इस फोटो को देखता है तो वो एल्बम को तुरंत बंद कर देता है। यही पर जो प्रेसिडेंट और इशिकावा होते हैं उसको देखकर काफी ज्यादा शॉक होते हैं, तो वो जाकर उस एल्बम को चेक करते हैं और वो दोनों भी इस के बचपन की फोटो देख लेते हैं। और जो इशिकावा होता है वो मियामुरा से पूछता है कि हे मियामुरा तुम इतने ज्यादा उदास क्यों हो रहे हो, और वो कहता है कि इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है ये तो बचपन की फोटो है ना। यही पर जो प्रेसिडेंट होता है वो आर्मी गिर डालने का काम करता है, वो कहता है कि जो हो रही है वो किसी के सामने कपड़े ऐसे चेंज कर लेगी। और दूसरी ओर जो इशिकावा और जो मियामुरा होता है उसके पैरों के नीचे से जमीन खसक जाती है। यही पर जो इशिकावा होता है वो प्रेसिडेंट से कहता है कि हे ऐसा तुम्हें क्यों लगता है कि जो लड़की है वो किसी के सामने कपड़े चेंज कर लेगी। जिस पर जो प्रेसिडेंट होता है वो कहता है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन कुछ दिन पहले होरी मेरे रूम में आई थी, वो कहती है होरी कहती है कि मुझे तुम्हारे कपड़े की जरूरत है। जिस पर प्रेसिडेंट कहता है हाँ ठीक है, तभी जो होरी होती है वहीं पर अपने कपड़े चेंज करना स्टार्ट कर देती है। और हम देखते हैं कि वो कुछ ज्यादा कुछ करती नहीं है, वो अपना स्वेटर उतार कर जाकर पहन लेती है। जिस पर जो प्रेसिडेंट होता है वो कहता है तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम गलत कर रही हो, हम दोनों एक ही रूम में थे। जिसके बाद जो होरी होती है वो कहती है कि क्या हुआ मैं तुम्हारे साथ बाथ हाउस बाथरूम कुछ भी स्विच कर सकती हूँ। प्रेसिडेंट की ये बात सुनने के बाद जो मियामुरा और इचिकावा होते हैं बहुत ज्यादा शॉक होते हैं, बिल्कुल सामने खड़े रहते हैं। और जो हमारा मियामुरा होता है वो काफी ज्यादा डिप्रेस होता है, मियामुरा होता है वो सोचने लग जाता है कि क्या उसने ऐसा कहा होगा। अब हमारा सीन यहीं पर शिफ्ट हो जाता है, हमें दिखाया जाता है शाम का सीन, जो हो रही होती है और मियामुरा होता है शाम को कुछ सामान खरीदने के लिए आए होते हैं। जिस पर जो हो रही होती है उसको सामान पसंद आ जाती है, वो कहते हैं कि मैं अभी इसको चेकआउट करके आता हूँ काउंटर से। तभी हमें दिखाया जाता है जो भी हो रही होती है वो एक बंदे से टकरा जाती है, वो बंदा उसको सामान उसका दे देता है। हो रही होती है उनका शुक्रिया अदा करती है, वो कहती है अरे आप तो प्रेसिडेंट के डैड हो ना, मेरा मतलब सेंगू के डैड हो ना। जो हो रही होती है वो कहती है कि आपका जो लड़का है वो हमारी बहुत ज्यादा मदद करता है। उसके डैड कहते हैं कि ये बात सुनकर मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। तभी वहाँ पर मियामुरा भी आ जाता है, वो कहता है कि
देख के आप सेंगोकू की डैड हो, मुझे आपसे मिलकर अच्छा लगा। वो कहता है कि मेरा नाम मियामुरा है, मैं आपके बेटे का दोस्त हूँ। दूसरे जो प्रेसिडेंट के डैड होते हैं वो मियामुरा को पकड़ कर कहते हैं कि तुम उसकी फैमिली से दूर रहो, वो तुम्हें बर्बाद कर देंगे। तभी वहीं पर जो वो रिवती वो कहती है मैं यहीं पर खड़ी हुई हूँ। अब ऐसे सिनेमा शिफ्ट हो जाता है, दिखाया जाता है जो भी मियामुरा और रिवती वो साथ में घर जा रहे होते हैं। इसके बाद जो मियामुरा होता है वो होरी से पूछता है कि प्रेसिडेंट के डैड तुम्हें कैसे जानते हैं। इसके बाद जो होरी होती है वो बताती है कि जो प्रेसिडेंट के डैड है और मेरे डैड है और मेरी मॉम है वो एक ही स्कूल में पढ़े हुए हैं साथ में। जिसके बाद जो मियामुरा होता है वो कहता है अच्छा ऐसी बात है। इसके बाद होरी को देखते जो कि मियामुरा से कहती है कि जो मेरी मॉम है बिल्कुल मेरी जैसी है। ये बात सुनने के बाद जो मियामुरा होता है उसके वहां से वो जो खा रहा होता है वो चीज उससे गिर जाती है। जिस पर जो होरी होती है वो चिल्लाती हुई बोलते है कि तुम पागल हो गया हो क्या, तुमने अपना बर्गर आधा फेंक दिया। इसे हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, दिखाया जाता है जो कि होरी और मियामुरा होते हैं वो घर में बैठे होते हैं और जो मियामुरा होता है वो काफी ज्यादा पढ़ पढ़ के थक गया होता है तो वो अपना हेड वो टेबल पर रख लेता है और जो होरी होती है वो अपना संतरे को छील रही होती है। दूसरी जो मियामुरा होता है वो उसको कहता है कि अगर तुम इसी तरीके से संतरे को छीलती रहोगी और तो तुम्हारे जो नाखून है वो पीले पड़ जाएंगे। जिस पर जो मियामुरा होता है वो कहता है कि अगर तुम उसको संतरे को मुझे खिलाओगे तो तुम्हारे नाखून जो पीले नहीं पड़ेंगे। और दूसरे वो देखते हैं कि जो होरी होती है वो मियामुरा को अपने हाथों से संतरे को खिला रही होती है और वो मरी मर सोच रही होती है कि मैं इसको संतरे खिला रही हूँ, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं किसी जानवर को खिला रही हूँ। वो ऐसी बातें सोचकर इस वाले कर रही होती है और तभी हमें दिखाया जाता है जो कि मियामुरा होता है वो होरी का हाथ पकड़ लेता है और उसकी उंगलियों को अपने मुंह में डाल लेता है और वो उसकी उंगली को चाटना स्टार्ट कर देता है और वो कहता है चलो मैंने तुम्हारी उंगली को साफ कर दिया है। और वो ये देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाती है, वो अपनी उंगली की साइड देखती है, वो देखती है कि इसकी जो उंगली है पूरी लाल से छपी हुई है। फिर इसी क्या बना रहा है यार फिर। और गाइस हमारा इसी के साथ ये वाला एपिसोड खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर जाना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। मिलते रहेंगे ऐसे एनिमे कंटेंट के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।